मुझे नहीं पता आप सब लोग ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी 2023 साल में 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो अगर जिंदगी में कुछ करना है, कोई संकल्प जिंदगी में लेना है, तो क्या हम वो 2023 आने पर लेंगे और तब तक क्या जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट 2.5 महीने हम बर्बाद नहीं कर सकते। वो लोग जो कि 2023 आने पर कुछ करना शुरू करेंगे और वो लोग जो कि इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद वो करना स्टार्ट करेंगे जो 2023 में करने वाले थे, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आप उन लोगों से 2 से 2.5 महीने आगे निकल जाओगे जो कि 2023 आने पर कुछ करना शुरू करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ही आता है कि करना क्या है? क्या वही सब बातें जो कि हर कोई कर रहा है, या फिर वही सब बातें जो कि हर वीडियो में देखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, कोई भी इंसान हो, वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, उसकी बात पर आंख बंद करके विश्वास कभी मत करना। जब तक आपको अंदर से यह ना लगे कि यार ये बात सही या फिर गलत है, तब तक किसी की भी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। देखो, हमारी क्या आदत होती है, किसी ने कुछ भी कहा, हमने सुना और सुनकर हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं और उस काम को करना फिर हम स्टार्ट कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए हम वो चीजें करते हैं और फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में हम आ जाते हैं। और ये करके ना बहुत बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई वीडियो देखा और उसमें वो बता रहे हैं कि अपना साल किस तरह से शुरू करें, साल में क्या क्या चीजें करें, तो क्या क्या चीजें होती है? डेली एक्सरसाइज करनी है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ये हैबिट डेवलप करो, वो हैबिट डेवलप करो, फोन को चलाना कम कर दो, कितने ही सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इनमें से एक भी चीजें करने के लिए नहीं कहूंगा। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे। आप में से शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा क्रिकेटर बनने का, वो क्रिकेटर बनना चाहते होंगे। अब क्रिकेटर बनने के लिए आपको बुक पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, उसका उससे क्या ताल्लुक? आपको ये भी डेवलप करनी है, आपको वो भी डेवलप करनी है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, जिनका लाइफ में कोई गोल होता है ना, वो ये सारी चीजें करते भी नहीं है। ये सारी चीजें वही लोग करते हैं जिनको नहीं पता होता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो वही सारी चीजें करते हैं जो कि यूट्यूबर अपनी वीडियोस में बताते हैं। तो ना तो उनकी एनर्जी अपने गोल पर जाती है और ना ही उनकी पूरी एनर्जी वहां पर जाती है जो कि कोई यूट्यूबर अपनी वीडियोस में जो बातें बता रहा है उनको फॉलो करने में। वो सारी चीजें भी आप ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीजें आपके अंदर से नहीं आई है, वो किसी और इंसान ने आपके अंदर डाली है। मैं ज्यादा घुमा फिरा करके बातें नहीं करना चाहता। सीधा सा मेरा मकसद ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तो जल्दी से पता करो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, वरना जिंदगी तय कर लेगी कि आपका क्या करना है। तो अपनी जिंदगी में कोई गोल बनाओ, कोई लक्ष्य बनाओ और फिर उस पर काम करो। और जिन भी लोगों का ऑलरेडी अपनी लाइफ में कोई गोल है, जिन्हें ऑलरेडी पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि सारी चीजों को साइड में रखकर सिर्फ वही काम करो और वो सारे काम करो जिनका आपके गोल से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुक्स मत पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, लेकिन सिर्फ वही बुक्स पढ़ो जो आपको अपनी फील्ड में सक्सेस दिलवाएगी, जो एक्चुअल में आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे, ऐसी बुक्स पढ़ो। हर इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ करे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान को सब कुछ करना चाहिए। तो नया साल आने वाला है, नया साल आएगा और नया साल चला भी जाएगा, नए साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका जो जोश है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर नया साल शुरू होने में एक दिन भी बाकी है तो एक दिन का भी वेट मत करो। आपको जो करना है वो अभी के अभी करो, क्योंकि मान लो पूरी दुनिया एक दिन का वेट कर रही है, लेकिन आपने एक दिन का भी वेट नहीं किया, अभी वो शुरू कर दिया जो आप शुरू करना चाहते थे, तो आप पूरी दुनिया से एक दिन आगे निकल जाओगे। तो अगर अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो प्लीज 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 अपनी जिंदगी में अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और अगर लक्ष्य है तो आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस पर काम करते रहो और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप करो। उसके अलावा आपको लगता है कि ये चीज मेरे गोल से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, उन सारी चीजों को नकार दो। फिर चाहे कोई भी इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर हो, कोई भी गुरु हो, वो कुछ भी कह रहा हो, उसकी बात पर ध्यान मत दो। और आप सबके सपनों के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।